पंडित जी महाराज आसन ग्रहण करें। महाराज जो तुम्हारी दासी बड़ी खराब है। अच्छा जो तुम्हारी मौसी है। हाँ पंडित जी महाराज आप हमारे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए गए, लेकिन तुमने हमारे माता पिताओं का आकर के कोई हाल नहीं बताया, गंगा का कोई हाल नहीं बताया। कहिए। अच्छा पंडित जी महाराज एक बात बताइए मेरे लिए। देखो माता पिता मेरे गए गंगा नहान को, और तुम गए बबुला के साथ। अरे हो हाल न बतायो तुमने गंगा जी को रे। अरे आए गए ब्रह्म अरे पुरी के अरे दरम्यान, अरे हालो नाए बताओ मेरे मैया अरे बबुला को। अरे ब्राह्मण जी तुमसे अरे पूछ रो मैं तो आज धीर अरे नाए बंद रो ब्राह्मण मेरे अरे जियरा मैं मुझे मेरे माता पिता के हाल बताएं। महाराज कहिए ब्राह्मण जी। अगर मैं बताऊंगा गंगा की कहानी तो सुनते ही आ जाएगा तुम्हारी आंखों से पानी। अच्छा क्योंकि गंगा जी पर हुआ ही कुछ ऐसा था। क्या हुआ है पंडित जी महाराज ये बताएं। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता जी यहाँ से फौज लेकर के गए गंगा जी स्नान के लिए। गंगा जी के किनारे पर जाकर के डेरा लगवाया महाराज। अच्छा मुझे बुलाया सभा जोर करके महाराज। कहने लगे बताइए विप्र पर्व कितने टाइम का है। मैंने कहा सुबह 4 बजे की सोमवती पर्वी पड़ी हुई है। अच्छा रानी टॉप पड़ी। तुम्हारी माता जी ने कहा महाराज ढोल बजवा दो, सबसे पहले गंगा स्नान रानी मंजा करेगी। अगर उससे पहले कोई गंगा स्नान करेगा गंगा जी नहाएगा तो जन्म कैद नरभर की पाएगा। ढोल बजने लगा। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ। कंपलगढ़ का फूल सिंह पंजाबी गंगा स्नान के लिए आया था। अच्छा उसकी बेटी सरबती साथ में थी। सरबती ने भी ढोल बजवाया और कहा ये कह दो कि सबसे पहले सरबती स्नान करेगी, उससे पहले अगर कोई गंगा नहाएगा तो जन्म कैद कंपल की पाएगा। दोनों तरफ से महाराज ढोल बजने लगे। अच्छा ढोल बजते बजते बातन बातन बत बने गई। और बातन में पड़ गई लार। अरे महाराज ढोल बजना शुरू हुआ। महाराज ने ढोल वाले से कहा कि सबसे पहले मेरी रानी स्नान करेगी। इसी बात पर फूल सिंह में और तुम्हारे पिताजी में तकरार हो गई। अच्छा लड़ाई राजा रे प्रथम जीते
हम पिताजी एक लड़ाई को जीत गए। अच्छा फिर क्या हुआ पंडित जी? चा तू ते बसाई पार तारे तारे चा तू सरपतिया ने फौजे पत्थर कई बनाए। कहिए पंडित जी धोखा हो गया तुम्हारे पिताजी के साथ। अच्छा तो को करे फूल सिंह ने प्यारे बबुल ले बनवाए दंड बदवाए ले देखो राजा पर थमके मैया रख में नहीं बैठाए हाथ हाथ गड़ी पाए लुपेड़ी ऊपर है कोल लुकी मार रोबत जाए रही मात पत बिरता बैली ने तय संतर चेल डर पाए। अरे बापो मूल सिंह पंजाबी कपिलगढ़ का महाराज की कैद करा करके ले गया है। तुम्हारी माता जी रोती हुई जा रही थी, कह रही थी अगर कोई सुना हो तो मेरे बेटे तक मेरी खबर पहुंचा दे कि फूल सिंह कपिलगढ़ का जो राजा है वो तुम्हारी कैद करा के ले गया। पंडित जी महाराज एक बात बाती बताइए हमारे लिए, हम अपने माता पिताओं को कैद छुटाने के लिए जाएंगे। हाँ एक बात बताइए आप हमारे साथ चलोगे? तुम्हारे साथ? हाँ एक बात तो बताओ। अरे बड़ी मुश्किल खा के तो मैं वहां से बच के आऊं और फिर हमारो देख के बच्चा से मतलब का है? नारायण नारायण हमें तो मांग ना खाना, हम लड़ाई की उम्र है खा मखा। अच्छा तो आप डरते हो लड़ाई से? मेरे को ना सा बात कर जाओ। अच्छा आप नहीं जाओगे, ठीक है पंडित जी महाराज बैठिए आपके लिए चाय नाश्ता कराया जाएगा। चाय समोसे बनवाए? समोसे खाओगे तुम? समोसे भी बनवाए हैं। वो है रोदीना का पो तो ये क्या होता है? पोदीना का रायता। अच्छा पोदीना का रायता। हाँ। सब कुछ है आप बैठिए। और बटनी भी चटवाइए। चटनी बटवाइए। चटनी बटनी नहीं लड्डी ठस्सी भी मिलेगी। लस्सी ठंडी लस्सी हर चीज मिलेगी, हर चीज आपके लिए उत्पत्त है। बैठिए पंडित जी महाराज। निगाहें मिला के बदल जाने वाले हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिला के बदल जाने वाले हमें और ये 10 रुपए राम खिलाड़ी यादव जी दूध पीने के लिए दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। 10 रुपए कल्याण भूपा, 10 रुपए राम भूप, 10 रुपए भगवान सिंह, 10 रुपए ऋषि पाल।